वो कहावत है ना, जिस मुख्यमंत्री के दिमाग में गाय और गोबर भरा होगा उस राज का तबेला होना तय है। यही हो रहा है उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश के मुखिया है योगी आदित्यनाथ, शायद उनके दिमाग में भी गाय और गोबर भरा है। यही कारण है कि उत्तर प्रदेश लगातार तबेला बनता जा रहा है। वहां की जनता सोच रही है हमने योगी को चुना है या ढोंगी को। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि कल ही योगी जी ने उत्तर प्रदेश का बजट पेश किया है। उस बजट में जनता के लिए क्या है आप जानते हैं? जानेंगे तो चौंक जाएंगे। यूपी के 75 जिला में इंटर कॉलेज खोलने के लिए मात्र 10 करोड़ का बजट रखा गया है। आयुष्मान विश्वविद्यालय खोलने के लिए 10 करोड़ का बजट रखा गया है। जिला अस्पताल खोलने के लिए 47 करोड़ का बजट, चिकित्सा विश्वविद्यालय खोलने के लिए 50 करोड़ का बजट। और सबसे चौंकाने वाली बात, गौ सेवा के लिए गौशाला खोलने के लिए 447 करोड़ का बजट। इसे कहते हैं डिजिटल इंडिया। हम अपने देश को विश्व गुरु बनाएंगे। जहां की जनता सड़कों पे भटक रही है, बच्चे को स्कूल नहीं मिल रहा है, जहां के बच्चे अस्पताल में दम तोड़ रहे हैं, उसके लिए बजट में कटौती की जा रही है 10 करोड़, 20 करोड़, 30 करोड़, और गौ सेवा के लिए, गौ रक्षा के लिए 447 करोड़। वाह वो योगी जी, आपका तो कोई जवाब नहीं। आप तो उत्तर प्रदेश को अमेरिका से भी आगे ले जाएंगे। जिस देश की जनता को 2 वक्त की रोटी नहीं मिल रही है, घर नहीं मिल रहा है, मकान नहीं मिल रहा है, बच्चे को शिक्षा नहीं मिल रहा है, बच्चे अस्पताल में अपने जान को त्याग रहा है, उस राज्य में आप जैसे मुख्यमंत्री गौ सेवा के लिए 447 करोड़ का बजट रख देते हैं। सीधे 50 करोड़ से 447 करोड़, 900% का इजाफा काश के लिए, गौ सेवा के लिए। लेकिन जनता के सेवा के लिए कुछ नहीं, कृषि बजट के लिए कुछ नहीं, अस्पताल में कटौती, शिक्षा में कटौती, रोजगार में कटौती। मोदी जी, ये कौन सा डिजिटल इंडिया है? आप कौन सा देश बनाना चाहते हैं? और आपके मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश को कहाँ ले जाना चाहते हैं? जहाँ के बच्चे अस्पताल में दम तोड़ रहे हैं, उसके लिए बजट में कटौती की जा रही है, लेकिन गाय के लिए, वो गाय जो वहां की किसान के फसल को चर रही है, वहां की जनता को परेशान कर रही है, गौ सेवा से किसी को कोई परहेज नहीं है, लेकिन क्या गौ सेवा के नाम पे जनता के बजट में कटौती की जानी चाहिए? शिक्षा के बजट में कटौती की जानी चाहिए? वहां के अस्पताल के बजट में कटौती की जानी चाहिए? जरूर नहीं की जानी चाहिए। ऐसे ऐसे मुख्यमंत्री को सत्ता से उखाड़ फेंकिए, तभी देश का विकास होगा, उत्तर प्रदेश का विकास होगा, नहीं तो तबेला बनेगा। क्योंकि आपने एक ऐसे मुख्यमंत्री को चुना है जिसके दिमाग में सिर्फ गाय और गोबर भरा है। वो गाय और गोबर से ऊपर उठ के कोई बात नहीं करेगी, देश की जनता के लिए बात नहीं करेगी, उत्तर प्रदेश की जनता के हित में बात नहीं करेगी, बात करेगी सिर्फ अपने एजेंडे को लागू करने के लिए, देश की जनता को गोबरमय कर देने के लिए। यही कारण है कि उत्तर प्रदेश लगातार तबेला बनता जा रहा है। आप मेरे बातों से सहमत हो तो शेयर कीजिए, और इस ढोंगी बाबा को सत्ता से उखाड़ फेंकिए, नहीं तो आपका जिंदगी तबेला बन जाएगा। शेयर कीजिए।